इस लेक्चर में हम क्लिपबोर्ड का किस तरह से यूज करते हैं वो देखेंगे। अभी तक हमने क्या क्या देखा है ये भी हम देख सकते हैं। ये सब पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। अब जो है वो हम स्पेशली क्लिपबोर्ड देखेंगे, उसके बाद ये सब टॉपिक्स है। तो क्लिपबोर्ड देखते हैं अब हम। क्लिपबोर्ड किस तरह से यूज करते हैं हम ये देखेंगे। देखिए एक नई स्लाइड पर चलते हैं। ये एक नया स्लाइड लिया मैंने। यहाँ पर क्लिपबोर्ड का मैं यूज करता हूँ। मैं कुछ इंसर्ट में जाके सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर सेव लेता हूँ, लाइक ये हो गया और अलग अलग तरीके से, या इमेज में ले सकता हूँ, जैसे ये हो गया। जैसे कि कुछ मैंने इमेज यहाँ पर सेव लिए हैं। अब मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। जैसे मैंने अलग अलग तीन, जैसे ये तीन ऑब्जेक्ट है मेरे पास। मैं फर्स्ट को कॉपी करता हूँ, सेकेंड ऑब्जेक्ट को कॉपी करता हूँ, तो अगर थर्ड को ऑब्जेक्ट को भी मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद में अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो जो सबसे लास्ट में मैंने कॉपी किया है वो वाला ऑब्जेक्ट जो है वो पेस्ट होगा। जैसे देखिए तो सबसे लास्ट में जो ऑब्जेक्ट कॉपी हुआ वो पेस्ट हुआ है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये चारों जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सब कॉपी हो जाए, और जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को चाहूँ वहां पेस्ट करना चाहता हूँ किसी ऑब्जेक्ट को भी, तो वो अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो वो क्लिपबोर्ड से मैं ये कर सकता हूँ। जैसे कि देख लीजिए आप, जैसे मैंने क्लिपबोर्ड पर क्लिक किया, यहाँ पर आप क्लिपबोर्ड देख रहे थे। इसका यूज अभी हम आपको बताते हैं कि किस तरह से यूज हो पाएगा। तो जैसे ही क्लिपबोर्ड को मैंने क्लिक किया, क्लिपबोर्ड को जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये सभी जितने भी आपने कॉपी किए थे वो सभी आपको दिखाई दे। जैसे मैं यहाँ एक और ऑब्जेक्ट लेकर इसको भी मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा, तो जैसे ये देखिए मैं इसे कॉपी करता हूँ। यहाँ पर आप कॉपी करेंगे तो ये देखेंगे आप, यहाँ पे ये भी आ चुका है। तो ये आ चुका। अब मैं चाहूंगा कि ये किसी भी स्लाइड पर, यहाँ ये सभी कॉपी हो चुके हैं इस क्लिपबोर्ड में। अब कोई भी स्लाइड, जैसे मान लीजिए कि 20वीं स्लाइड पर मुझे जाके इसे पेस्ट करना है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, जहां पे भी मुझे ले जाना है मैं उसे क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये क्लिपबोर्ड जो है इसलिए काफी आसान होता है कि आप कितनी भी ऑब्जेक्ट है उसे आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, और जहां आप उस ऑब्जेक्ट को लेके जाना पेस्ट करना चाहते हैं वो पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्लिपबोर्ड को हम यूज करेंगे। तो सिमिलरली अगर मैं चाहता हूं कि ये जो क्लिपबोर्ड है, अगर मुझे टेक्स्ट भी यहां पर कॉपी करके और रखना है क्लिपबोर्ड में, और मैं चाहता हूं कि इसे पेस्ट करना है किसी भी स्लाइड में, तो वो कैसे करेंगे कि जैसे मान लीजिए टेक्स्ट है हमारे पास, ये एक वर्ड फाइल है, इस वर्ड फाइल में मैंने ये जो है इसे कॉपी किया है। अब इसे कॉपी करने के बाद में यहाँ पर भी आपको क्लिपबोर्ड दिखाई देगा। तो आप देखेंगे कि जो एमएस पावर पॉइंट में आपने जो क्लिपबोर्ड देखा है, सिमिलरली अगर मैं वर्ड में भी जाकर वो क्लिपबोर्ड पे ओपन करता हूँ तो वही ऑब्जेक्ट जो वहां पर कॉपी थे वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो वर्ड में जो भी टेक्स्ट है इसे मैंने कॉपी करूंगा तो ये क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ तो आप देखेंगे कि क्लिपबोर्ड में कॉपी हो चुका है। अब सिमिलर जब मैं पावर पॉइंट में भी इसे ओपन करूंगा तो यहाँ पर भी ये सिमिलर वे में दिखाई देगा। तो आप देखेंगे पावर पॉइंट में मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर जो मैंने कॉपी वर्ड में कॉपी किया था क्लिपबोर्ड में वो यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब मैं इसे पेस्ट करना चाहता हूँ, जहाँ मेरी मर्जी है वहां मैं पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ इस सेकेंड स्लाइड में इसे पेस्ट किया जाए, तो ये मैंने यहाँ पेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्लिपबोर्ड का काफी अच्छा यूज है। या अगर आप इमेज कॉपी करके रखना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। तो इस तरह से आप जो है क्लिपबोर्ड का यूज कर सकते हैं। ये पावर पॉइंट आप अगर चाहते हैं यहाँ पर कि कोई एक्सेल की फाइल जो है उसको भी अगर आप ओपन करके और उसे कॉपी करना चाहते हैं क्लिपबोर्ड में और यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है उनको आप कॉपी करके आप स्पेसिफिक पोजीशन पे पेस्ट करना चाहते हैं तो वो क्लिपबोर्ड के थ्रू
आसानी से होता है। तो ये क्लिपबोर्ड का यूज होता है इस तरह से। अगले लेक्चर में हम इंसर्ट, किस तरह से ऑब्जेक्ट को हम इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट टैब में ये सभी हम देखेंगे कि टेबल किस तरह से इंसर्ट की जाती है, पिक्चर, स्क्रीनशॉट और कई सारे यूजेस जो है इंसर्ट के हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।